मैं 42 बरस से पॉलिटिक्स करता हूँ और आज तक मैंने किसी को रिक्शा वाले को भी तुम नहीं कहा। और यह भाजपा वालों की साजिश है, खुद पकड़ गए बेचारे सब। तो ये लोग एक नाम लेने वाला दारा चौहान का कोई विधानसभा के अंदर है नहीं, तो कैसे कुछ चर्चा हो जाए। वह और स्वयं ये लोग अपना काम कर लेते हैं। स्याही फेंकी गई है, उन्होंने आरोप लगाया है कि सुधाकर सिंह हार से बौखला गए हैं और स्याही फेंकवा रहे हैं। मैं 42 बरस से पॉलिटिक्स करता हूँ और आज तक मैंने किसी को रिक्शा वाले को भी तुम नहीं कहा है। और यह भाजपा वालों की साजिश है। इसी तरह से द्वारीघाट में बड़राम में अपने ही ऊपर गोली चलवा करके दूसरे को लगा रहे थे, तो खुद पकड़ गए बेचारे सब। तो ये लोग एक नाम लेने वाला दारा चौहान का कोई विधानसभा के अंदर है नहीं, तो कैसे कुछ चर्चा हो जाए। वह और स्वयं ये लोग अपना काम कर लेते हैं। हम यदि जो भी किया है, मैंने कहा पहले ही, जब उनके लोगों ने यदि उन्होंने खुद कराया है तभी मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। तो कह रहे हैं सुधाकर सिंह चुनाव हार गए, कोई साथ नहीं है, तो इसीलिए सब कर रहे हैं। हाँ, बौखलाहट का लक्षण है, यही बौखलाहट का लक्षण है। सुधाकर सिंह 1975 से राजनीति करते हैं, हम आपातकाल में 19 महीना 18 दिन जेल रहा हूँ। इमरजेंसी में जब इस मुल्क में आज़ादी सारी छीन ली गई थी तब मैं जेल में था। मैं परमानेंट पॉलिटिकल हूँ, मेरे ऊपर हार जीत का कोई फैसला कोई माने नहीं रखता। जन सेवा करना ही हमारा केवल कर्तव्य है। हारता हूँ तब भी, जीतता हूँ तभी उसी की नींव के पीठ में मिल जाता हूँ। ये तो मैं कहा ना कि यदि अपने स्वयं ही करा लिए होंगे, लेकिन यदि ये कहते हैं तो जो भी कराया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दारा सिंह चौहान ने ये कहा कि ब्राह्मणों की और दलितों की हत्या कराते हैं आप, गुंडा पालते हैं। आज तक मेरे ऊपर कोई अपराध लागू है इन सब चीज़ों का? ये तो रजिस्टर बता देगा आपको कि मैं जितनी बार जेल गया हूँ जेल, लेकिन केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जेल गया हूँ, छात्र राजनीति में गया हूँ, जन आंदोलन में गया हूँ, किसी जनता ने मेरे ऊपर FIR आज तक नहीं किया है। क्या माना जाए कि जो ये बयान दे रहे हैं ये हार का 100% सूचक है? 100% पब्लिक से भी पूछ लीजिए आप, ये दलित बस्ती है, पूछे कोई दलित वोट दे रहा है? आप खुद पूछ लीजिए, मुझको तो सारी जातियाँ वोट दे रही हैं, सारी जातियाँ। ताका बाबा।